हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंडी सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, ये मैनकाइंड कंपनी की दवा है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसकी प्राइस है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी कोई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर अपलोड होगी तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके चैनल पर पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो बैंडी सस्पेंशन है, ये मैनकाइंड ग्रुप की दवा है जो 10 ml में आती है। इसका कंपोजिशन है दोस्तों एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन IP। दोस्तों, ये एल्बेंडाजोल जो है ये कीड़े की दवा है दोस्तों। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, जिस वजह से उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती या और कोई समस्या से उनको भूख नहीं लगती, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उन कीड़े को ख़त्म करने के लिए इस एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन IP का यूज़ किया जाता है, जो बैंडी सस्पेंशन के नाम से किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। दोस्तों, फ्रेंड्स, ये ओरल सस्पेंशन जो है ये बच्चों में प्रयोग की जाती है। यदि किसी बच्चे में पेट में दर्द होता है या उसे भूख नहीं लगती, जो मिट्टी खाते हैं जिस वजह से उनके पेट में दर्द होता है, या वैसे भी अगर पेट में दर्द हो, कीड़े की वजह से दर्द होता है दोस्तों, या भूख नहीं लगती, तो कीड़े की समस्या को ख़त्म करने के लिए इस ओरल सस्पेंशन का यूज किया जाता है दोस्तों। ये मुख्यतः इसका यूज है दोस्तों कीड़े की समस्या। यदि किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका डोज है दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, या हो सके तो डॉक्टर की सलाह पर यूज करें, क्योंकि डॉक्टर बच्चे की कंडीशन और उसकी अवस्था को देखकर डोज के बारे में बता सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हो सके तो डॉक्टर की सलाह पर इसका यूज करें। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन यूज करें तो डॉक्टर की सलाह पर यूज करें, बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी मेडिसिन का यूज ना करें। इसके प्राइस की बात कर लें तो ये 20 रुपये तक किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती हैं? मतली या उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, या और कोई समस्या दिखाई दे सकती है, तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद करके आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूज करें तो एक बार डॉक्टर सलाह जरूर ले लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपको नॉलेज के लिए बनाई जाती है, आपकी जानकारी के लिए बनाई जाती है। इसलिए वीडियो को देखकर दवा का यूज ना करें, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप किसी भी मेडिसिन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।